वक्त वक्त पे एक चीज हमेशा पता चलता है कि अच्छाई अच्छाई होता है और बुराई बुराई होता है। भले से आप बुराई की वजह से कितने भी ज्यादा नाम कमा लो, कितने भी ज्यादा आप टिक जाओ, लेकिन एंड में अच्छाई तुम्हारे आंखों में आंखें डालकर बता रहा होता है कि यू आर रॉन्ग। बिग बॉस का ये वाला टास्क कुछ ऐसा ही था। पूरे सीजन में लव कटारिया, विशाल पांडे, सना मकबूल और तो और कह लो शिवानी, ये सारे लोग एक साइड में थे और इन सब के अगेंस्ट थे, जो कि मैच्योरिटी से बात कर रहे थे, सही और गलत के बीच में फर्क करके बता रहे थे, बायसपंती से दूर थे। लेकिन यहाँ पे जो टास्क हुआ, उस टास्क ने सबको नंगा कर दिया कि जब बात अपने पे आती है तो भाई अच्छे अच्छे लोग हगने लग जाते हैं, और ये वही करने लग गया। लव कटारिया ने उस दिन वाली बात फाइनली कह दी कि उस दिन विशाल पांडे कह रहा था कि अरमान भैया किस्मत वाले हैं, और उसके बाद से वो उसको कन्वर्ट भी करता है कि मैं उस वे में नहीं, मैं केयरिंग के बारे में कह रहा था। उसके बाद से शिवानी भी कह जाती है, उसके बाद से शिवानी भी कहती है, विशाल भी कहता है, सब एक दूसरे को नंगा करने लग जाते हैं। तो अब मुझे बताओ, जो भी लोग विशाल पांडे को सपोर्ट कर रहे थे, उनके फैमिली मेंबर्स जो है सोशल मीडिया में और वीकेंड के वार पे आकर के खुले तरीके से ये चीज कह रहे थे कि मेरा बेटा गलत नहीं था, अगर कॉम्प्लीमेंट गलत लगता है तो अपनी बीवी को लाया ही क्यों। अरे भाई, जब तुम्हारी बेटी की सोच ऐसी है, वो तो लोगों तक पहुंच रही है ना, अब उस चीज को पता नहीं किस तरह से इन लोगों ने एक ट्रेंड में कन्वर्ट किया कि देखो विशाल पांडे सही था, अरमान मलिक गलत था। आई एम नॉट टेलिंग यू कि अरमान मलिक हर तरह से सही है। मैं अरमान मलिक के बाहर के सारे कांड बाहर रख करके सिर्फ इस शो की अगर बात करूं तो अरमान मलिक ने सबसे ज्यादा समझदारी दिखाई है। एक जगह पे जाके उसने आपा खोया जिसपे उसने कान के नीचे बजाया, और वो बजाना जरूरी भी होता है। बीइंग अ हस्बैंड, अगर तुम इतना भी नहीं कर सकते तो फिर किस बात के हस्बैंड हो। और तो और अरमान मलिक ने इस शो में आके ये भी प्रूव कर दिया भाई कि ये बंदा किस तरह से दो बीवी को संभालता है। ही इज अ मास्टरमाइंड। भले से वो 8वीं फेल हो, लेकिन उसके पास में दिमाग है। और उसने कई बार शो में कह भी दिया है कि हाँ मैं जाहिल हूँ, लेकिन तेरे जैसे 10 को मैं काम पे रख सकता हूँ। इन सारे कांड के बीच में मुझे एक चीज दिखा भाई कि इस पूरे शो के अंदर में जो है, अगर कोई विक्टिम बन गया है और सच्ची में वो विक्टिम है, तो वह है शिवानी कुमारी। सबसे पहले उसने बचपन में जाकर के रणवीर शौरी की बहुत बार बेइज्जती की, लव कटारिया ने भी बहुत सारी बार की है, लेकिन विक्टिम जो बनी है वो बनी है शिवानी कुमारी। अभी तक रिजल्ट तो नहीं आया है, लेकिन जब सपोर्ट की बारी आई तो शिवानी अलग खड़ी थी, उसके साथ में कोई नहीं था। एंड हैट्स ऑफ दीज टू ओल्ड एज होम कह लो, या फिर इनको कह लो कि अपना एज कार्ड निकाल देते हैं भाई, लेकिन इन लोगों ने पूरे तरह से सपोर्ट किया। हाँ, इसका दूसरा भाग ये भी हो सकता है कि रणवीर शोरे इसलिए उसको बचा रहा था, या फिर अरमान मलिक, ये सारे लोग इसलिए बचा रहे थे शिवानी को क्योंकि उन दोनों को ये लोग नहीं जिताना चाहते, उन दोनों को घर में नहीं देखना चाहते। सो दिस वॉज द रीजन। लेकिन सच बता रहा हूँ, इस टास्क के अंदर में ये तो साबित हो जाता है, और खास करके बिग बॉस शो के अंदर में हर साल ये चीज साबित होता है कि एंड तक ज्यादातर वही लोग रहते जो सच में अपने पॉइंट पे सही थे और लोगों ने उनको पूरे तरह से सपोर्ट किया हो, वरना वो नहीं रह सकते। सो यस, दिस वाज माय ओपिनियन फॉर दिस एपिसोड। व्हाट्स योर टेक? प्लीज डू कमेंट। यहां तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।